दीदी लोगों को मैंने मुद्रा लोन भी दिलाया, कृषि लोन भी दिलाया और मेरा एक ग्राहक परिसेवा केंद्र भी है। गांव का दीदी लोग बैंक में जाते हैं, डरते हैं तो मेरे पास आते हैं। मैं डिजिटल लेन देन के माध्यम में उसको फॉर्म भरना नहीं पड़ता, मैं उसके अकाउंट करवाता खाता खुलवाता हूँ, उसमें जो इंश्योरेंस का है वो इंश्योरेंस भी करा देता हूँ। वो बैंक बंद रहने से भी मेरे पास आके पैसा तुलता है, जमा करता है, सब लेन देन सुविधा मुझसे पाता है। आप तो चलती फिरती बैंक बन गई है। नमस्कार, मेरा नाम उनिमा देवनाथ दास है, मेरा समूह का नाम है गोपाल गोविंद, मैं त्रिपुरा राज्य से हूँ। गोपाल गोविंद है सर। मैं 10 साल से मेरा समूह से जुड़ा हूँ। मैं जब भी मैं समूह से जुड़ा नहीं था तो मेरा फैमिली का इतना इनकम नहीं था तो मैं फैमिली चला सकती। मेरे पति भी बेकार थे, मेरी बेटी भी बहुत तबीयत खराब रहता था। तो मैंने समूह से 4-5 बार में प्राय 5 लाख रुपया लोन लेके मैं मेरे पति को एक किराने की दुकान करने स्थापित कर दिया। तो बाद में मुझे बैंक शुकी और बिजनेस करेस्पोंडेंस शुकी का काज करने के लिए मौका मिला। तो NRLM में माध्यम से प्रशिक्षण लेके मैं आनंदनगर बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में अभी बैंक शुकी काज कर रहा हूँ। तो मैंने बैंक शुकी काज शुरू करने से मुझे मेरा गांव पे हर दीदी लोगों को मैंने पहले खाता खुलवाया और हमारा गवर्नमेंट का जो बीमा योजना है PMSBY, PMJJBY, अटल पेंशन योजना वो सब भी कराया और अभी तक मैं बैंक से दीदी लोगों को 3 करोड़ रुपया क्रेडिट लिंकेज भी कराया और मैंने दीदी लोगों को मैंने मुद्रा लोन भी दिलाया, कृषि लोन भी दिलाया और मेरा एक ग्राहक परिसेवा केंद्र भी है। वहाँ पर जब दीदी लोग गांव का दीदी लोग बैंक में जाते हैं, डरते हैं तो मेरे पास आते हैं। मैं डिजिटल लेन देन के माध्यम में उसको फॉर्म भरना नहीं पड़ता, मैं उसके अकाउंट खाता खुलवाता हूँ, उसमें जो इंश्योरेंस का है वो इंश्योरेंस भी करा देता हूँ। वो बैंक बंद रहने से भी मेरे पास आके पैसा तुलता है, जमा करता है, सब लेन देन सुविधा मुझसे पाता है। आप तो चलती फिरती बैंक बन गई है। तो आप एक दिन में सबसे ज्यादा रुपयों का लेन देन कितना किया होगा? 2.5 लाख किया है। 2.5 लाख तो 2.5 लाख में 2,50,000। 2,21,000 50,000, 2,50,000 किया। अच्छा, एक दिन में? एक दिन में। लोग थैले में लेके जाती हो पैसे? नहीं सर, वो तो मेरे ग्राहक केंद्र में आ जाते हैं। तो आपको डर नहीं लगता कभी? नहीं सर, पहले तो डरता था, मैं तो बहुत छोटा था, एक एक रुपया की भी मोहताज था। अभी तो मेरे पास गवर्नमेंट है, मेरा सब सुविधा दे रहा है तो मैं क्यों डरूंगा। तो अभी आपकी इनकम कितनी हो गई, आय कितनी हो गई आपकी? अभी तो सर मैं महीना में 15,000 रुपया कमा लेता हूँ। मेरा किराए पे दुकान से भी 12-13,000 रुपया मिल जाता है। मेरे सालाना में मुझे 2.5 से 3 लाख रुपया रोजगार हो जाता है। अच्छा, आप और कितने लोगों को मुद्रा लोन दिलवाया, उन्होंने रोजगार दिया होगा? आपके कारण आपके इलाके में कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? सर मैंने तो मेरा जो समूह दल है, जो दीदी मुझसे जब भी मदद चाहता है, जिसका भी आजीविका ऊपर काज कर रहा है, मैं मेरे साथ लेके उसको बैंक मैनेजर के पास ले जाता हूँ, उसका खुद का आजीविका दिखाता हूँ तो उसको मुद्रा लोन दिलवाने के मैं हेल्प कर देता हूँ। तो गांव वाले आपको कैसे पहचानते हैं? सर पहले तो मुझे कोई पहचानता नहीं था, अभी तो मैं सब दीदी लोग मुझे बैंक शोकी और बिजनेस करेस्पोंडेंट शोकी से भी जानते हैं। तो मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ जो मेरा गांव में एक मेरा पहचान है, पहले तो मुझे कोई पहचानता नहीं था। तो परिवार में भी सम्मान बढ़ गया, गांव में भी सम्मान बढ़ गया। हाँ सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।